हेलो। हाँ हिमांशु। हाँ बताओ यार, मैं चांद पे आया था, यहाँ मेरे फास्टैग का पैसा खत्म हो गया है, अब एलियंस ने मुझको रोक लिया है। मेरे अकाउंट में 25 रुपए का रिचार्ज कर दो यार। अबे तुमको न्यू अशोक नगर जाने के लिए ना कोई रिक्शा का 10 रुपए ना दे, तुम 25 रुपए मांग रहे हो। फोन काट दिया, भरोसा ही नहीं है। लोग यहाँ 25-25 लाख दे देते हैं, इसको भरोसा नहीं है, फोन काट दिया मेरा। मेरे दोस्त भले समोसे खाने को 5 रुपया दे, लेकिन लोग लाखों बांट रहे हैं। जापान में ऐसा ही हुआ। फर्जी एस्ट्रोनॉट के प्यार में पड़कर जापान की एक महिला लाखों रुपए गंवा बैठी। हुआ ये कि ठग ने खुद को कहा, हम रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं, तुमसे करेंगे शादी, जापान और रूस के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल देंगे। महिला उस पर इतना भरोसा करने लगी जितना आपके घर वाले आप पर नहीं करते हैं, और उसको खूब पैसा दे दिया। अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक महिला शिगा प्रांत की रहने वाली है, उम्र है इनकी 65 साल। पैसा दे दिया 4.4 मिलियन येन, माने करीबन 24.8 लाख रुपए, 15 लाख प्लस 9.8 लाख। इस सब की शुरुआत हुई वहां जहां से नेल पॉलिश पर ताजमहल बनाने और पत्ता गोभी पर मलाई डालकर खाने की शुरुआत हुई थी, मतलब इंस्टाग्राम से। जापान के टीवी असाही की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल जून में महिला और फर्जी अंतरिक्ष यात्री इंस्टाग्राम के जरिए एक दूसरे से मिले। महिला ने शिकायत में बताया कि उसने खुद को रूसी बताया, डैंड्रफ वाला रूसी नहीं, रूस वाला रूसी, कहा हम रूस के एस्ट्रोनॉट हैं। उसकी प्रोफाइल पर अंतरिक्ष की तस्वीरें भी थी, जिनको देख के लगा कि वो अंतरिक्ष स्टेशन में काम करता है। महिला को भी लगा होगा चलो इस रिलेशनशिप में स्पेस खूब मिलेगा। दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर ही मैसेज के जरिए बातचीत शुरू हुई। फिर दोनों जापानी मैसेजिंग एप्लीकेशन लाइन पर बात करने लगे। कुछ समय बाद ही आरोपी ने कथित तौर पर महिला से कहा कि वो उससे प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। नकली एस्ट्रोनॉट ने महिला को सपने सुहाने लड़कपन के दिखाए कि वो जापान आएगा, उनके साथ नया जीवन शुरू करेगा। इंदौर से नमकीन भरना और ऑनलाइन प्रेमी की बात पर यकीन करना किसको अच्छा नहीं लगता, महिला ने यकीन कर लिया। फिर एक दिन ठग ने महिला को बताया कि पृथ्वी पर रॉकेट लैंड कराने के लिए उसको फीस देनी होगी और उसको पैसों की जरूरत है, 100-200 ले ले लैंड करा दे नहीं, कहा कि हैवी रकम चाहिए। महिला ने उसको 19 अगस्त से 5 सितंबर के बीच 5 बार पैसे भेजे, कुल रकम जो हमने आपको पहले भी बताई 4.4 मिलियन येन। इतना भकोसने के बाद उसने फिर से पैसे मांगे, तब जाके महिला को उस पर शक हुआ और उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। अब पुलिस जांच कर रही है, कह रही है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय रोमांस स्कैम का लग रहा है। देखिए क्या होता है, आप देखिए, तब तक हम अपने दोस्त से पैसा मांगने की फिर से कोशिश करते हैं। टाटा। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल ऑन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।